अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार आशमी, आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड का जो इम्तिहान दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। आज ही एक बड़ा अहम नोटिफिकेशन आया है बोर्ड की तरफ से, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपके अगर नंबर कम आए हैं और आप परेशान हैं अपने नंबर की वजह से, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। इम्प्रूवमेंट का जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, और जो आगे अगर नंबर कम आते हैं जिनके, तो उनके लिए भी बड़ी अहम खबर है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज ही नोटिफिकेशन आया है और आज ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि जो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जो बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है, 2022 में भी जो इम्तिहान होगा वो 40% MCQs होंगी और 60% उसमें 60% सब्जेक्टिव पेपर होगा। अगला साल के हिसाब से भी जो नई इम्प्रूवमेंट है, मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी दे देता हूँ। इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपको तमाम अपडेट्स बर वक्त मिलती रहेंगी। इसलिए रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम आपको बर वक्त अपडेट्स देते रहेंगे, ना सिर्फ अपडेट्स बल्कि तमाम जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ साथ आपकी हर तरह की हेल्प की जा रही है। जितने भी बुक्स नहीं आई हैं उनके मैं सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके साथ हम हेल्प करते रहेंगे। अब चलते हैं आज की खबर की तरफ। आज की खबर जो है वो आज ही नोटिफिकेशन आया है, ये देखें आज का ताज़ा नोटिफिकेशन है 24/2 का। आज 24 तारीख है, 24 फरवरी है, आज ही का ये प्रेस रिलीज़ है सानवी तालीमी बोर्ड कराची की तरफ से, 24 फरवरी 2022 प्रेस रिलीज़। ये मैंने बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से लिया है प्रेस रिलीज़। इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड के ख्वाहिशमंद तलबा तलबात को अगले 4 सालों तक इम्तिहानात में शिरकत के मुतअद्दिद मौके फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन बोर्ड सैयद शरफ अली शाह। वो तलबा व तलबात जो 2018 और उसके बाद 10वीं जमात में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अपने इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसको ज़रा समझिएगा कि कौन बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने 2018 के बाद पेपर दिए मैट्रिक के, और मैट्रिक में पास तो हो गए लेकिन नंबर कम है आगे, तो वो आपने 4 साल तक उनके पास ये चांस है कि वो अपना इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दे सकते हैं। कैसे? सानवी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह ने कहा कि नोटिफिकेशन नंबर, ये नोटिफिकेशन का एक नंबर है कि मोरखा 15 नवम्बर 2021 के मुताबिक, पहले एक नोटिफिकेशन आया था 15 नवंबर 2021 को, उसमें ये फैसला तो कर लिया गया था, लेकिन आज दोबारा ये नोटिफिकेशन देने का क्या मकसद है, ये उसकी थोड़ी वजाहत है। 15 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसी की एक्सप्लेनेशन आज फिर बोर्ड की तरफ से आई है कि 15 नवंबर 2021 के मुताबिक इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की होने वाले इजलास के फैसले की रोशनी में इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड के तलबा व तलबात को इम्तहानात में शिरकत के लिए एक मौका के बजाय अगले 4 सालों तक मुतअद्दिद मौके फराहम किए जाएंगे। पहले ये एक चांस होता था इम्प्रूवमेंट का, आप इम्तिहान सिर्फ एक दफ़ा दे सकते थे और उसमें अगर आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई तो ठीक है, वरना आपके पास कोई चांस नहीं था। और एक और भी होता था कि आपने बिल्कुल करंट जो ईयर होता था उसी के बाद आप इम्प्रूवमेंट में दे सकते थे, अगर बीच में गैप आ जाता था तो आप इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान नहीं दे सकते थे, स्पेशल इम्तिहान नहीं होता था। लिहाजा सिर्फ वो तलबा व तलबात जो 2018 और उसके बाद 10वीं जमात में कामयाबी तो हासिल कर चुके हैं मगर अपने इम्तिहानी नतीजे से मुतमइन नहीं हैं और अभी तक अगले दर्जों इंटर क्लासेस में दाखिला नहीं लिया है, तो वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए अपने इम्तिहानी नतीज को बेहतर करने के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड का इम्तिहान दे सकते हैं। ऐसे तलबा तलबात को हिदायत की जाती है कि अगर वो सालाना इम्तिहान 2022 में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं तो फौरी तौर पर मुकम्मल दस्तावेजात के साथ मुतलका सेक्शन से राबता करें और दी गई हदायात के मुताबिक आप फॉर्म जमा कराएं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आपने दाखिला नहीं लिया, लेकिन अगर आपने दाखिला ले भी लिया है, अगर आपने इंटर में दाखिला ले लिया है, तो असल ये पूरा नोटिफिकेशन की वजाहत ये है, ये तो प्रेस रिलीज़ है लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन है ना उसमें ये है कि अगर आपका अभी तक अगले क्लास का रिजल्ट नहीं आया, यानी कि आपने मैट्रिक का पेपर दिया और आपका अभी तक
इंटर का रिजल्ट नहीं आया तो आप उससे पहले पहले भी ये इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्ज़ाम जो इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड का इम्तिहान दे सकते हैं। इसलिए एक तो ये सबसे पहला काम तो ये कर दिया गया कि ये जो है ये चार आपको मौके दे दिए गए, और ये सिर्फ सिंध बोर्ड की तरफ से ही नहीं है, अभी ये प्रेस रिलीज तो सिंध बोर्ड का ही है लेकिन ये फेडरल बोर्ड की तरफ से हदायत हैं और ये तमाम बोर्ड्स को इसी तरह करना होगा। ये फेडरल बोर्ड के ये असल में जो शफकत महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने बताया था, तो चूंकि वो वफाकी एजुकेशनल मिनिस्टर हैं तो उनके अंडर तो पूरा मुल्क के जो बोर्ड्स हैं वो आते हैं, तो इसलिए तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं वो भी पाबंद होंगे इसी तरीके से 4 साल तक बच्चों से इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्तिहान का इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड का इम्तिहान लेने के। अभी जो 1 मार्च से पेपर शुरू हो रहे हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, 1 मार्च को पहला पेपर है जो किन का, जो आप इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़ हैं, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी है, कुछ बच्चों ने बताया कि वो सालाना इम्तिहान के साथ पेपर देंगे, वो भी चांस है। जो सालाना इम्तिहान के साथ जो पेपर दे रहे हैं, एक तो फ़र्क ये हो गया कि जो अभी पेपर देंगे ना, अभी जो 1 से पेपर हो रहे हैं उनका पैटर्न होगा पिछले वाला जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, स्मार्ट सिलेबस भी होगा और पैटर्न भी वही होगा 50% एमसीक्यूज़ वाला। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उनको पेपर सारे देने होंगे, यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट भी देने होंगे ऑप्शनल के साथ। अगर पिछले साल तो सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट थे जो आपके इख्तियारी मजामीन थे, लेकिन इस अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो आपको सारे पेपर देने हैं अभी। लेकिन अगर आपने सालाना पेपर के साथ जो सालाना पेपर होंगे उनके साथ आपने इम्तिहान देना है, आपके पास ऑप्शन था ना, तो अगर आपने सालाना इम्तिहान के साथ पेपर दे रहे होंगे तो फिर आपको क्या करना है, फिर जो नया पैटर्न अभी आया वो लागू होगा। मुझसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड वालों के लिए कौन सा पैटर्न है, तो पैटर्न भाई ये है कि अगर अभी आप 1 मार्च को पेपर दे रहे हो तो आपके लिए पुराना पैटर्न है पिछले साल वाला, और अगर आपने पेपर देने हैं बोर्ड एग्ज़ाम जो फाइनल आ रही है जो 15 जून से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं सिंध बोर्ड के, तो 15 जून से अगर आप पेपर दोगे तो आपके लिए पैटर्न वही होगा जो अभी इस वक्त जो इम्तिहान देंगे जो स्टूडेंट्स उनके लिए पैटर्न मैंने कल वीडियो अपलोड की है 40% MCQs और 60% उसमें जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, और सिर्फ इलेक्टेड नहीं होंगे बाकी सारे होंगे। हाँ, किसी बच्चे ने अगर सेलेक्ट ही दो दो तो वो भी एक ऑप्शन था कि आपने दो जो है वो मजमून सेलेक्ट करने हैं इम्प्रूवमेंट के लिए साइंस के सब्जेक्ट, तो वो तो आपके लिए अलग सेट है, वो हर बच्चे को पता है कि उसने कौन कौन से सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन वो होगा फुल सिलेबस से, पैटर्न ये वाला होगा। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसका लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक बात पहुंचाएं। देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।